देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी और आसानी से बनने वाली कड़ी पकौड़ा हमारे रेडी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़ा। बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए मैंने तकरीबन ले लिया है हाफ के जी के करीब मैंने दही ले लिया है। 3 टेबलस्पून इसमें मैं यूज़ करूँगी बेसन। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। 1.5 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी। तड़के के लिए जो चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें हम हाफ जो है प्याज ले लेंगे, उसको कट कर लेंगे। ज़ीरा यूज़ करेंगे, तेज पत्ता और लाल मिर्चें तड़के के लिए यूज़ करेंगे, और जो ऑयल है वो हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई सा भी जग ले लेंगे, ब्लेंडर जार ले लेंगे। सबसे पहले इसमें दही शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें बेसन शामिल कर देंगे। और जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। और 2 गिलास इसमें पानी शामिल कर लेंगे। इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसको जिस भी बर्तन में आपने बनाना है उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे। इसमें आप पानी शामिल करेंगे, आप अपने हिसाब से इसमें पानी शामिल करें जितना आपको इसकी थिकनेस चाहिए, और फिर इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे पकने के लिए। ये इसमें उबाल आ गया। अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे ताकि इसमें कच्चापन ना रहे, अच्छी तरह ये पक जाए। इतनी देर में हम पकौड़ों का मसाला बना लेते हैं। पकौड़ों का मैदा तैयार करते हैं। बेसन ले लिया है और 2 अदद बड़े साइज के प्याज लेके इसमें वो शामिल कर काट लिए हैं और वो शामिल करेंगे इसमें। 2 अदद टमाटर लेके बारीक काट लिए हैं वो इसमें जाएंगे। 2 हरी मिर्चें छोटे साइज में काट के, और अदरक का पेस्ट तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। मसालों में जो हमने मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून हमने क्रश चिलीज ले लिए हैं, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर, अगर आपके पास नहीं आप स्किप कर सकते हैं, 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, और ये सारे शामिल कर देंगे मसाले। और बस पकौड़ों का मसाला जो है अमेज़ा वो तैयार कर लेंगे। हाथ की मदद से मैं मिक्स करूँगी क्योंकि हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। अगर आपको बेसन कम लगे आप बेसन उसमें और शामिल कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप पकौड़ों का मसाला तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा और मैं इसमें बेसन शामिल करूंगी। अमेज़ा तैयार है। अब जो पकौड़े हैं वो फ्राई कर लेंगे। पकौड़े जो हैं वो फ्राई करना स्टार्ट कर लिए हैं। इस तरीके से जो सारे पकौड़े हैं वो तैयार कर लेंगे और उसके बाद इसको कड़ी में शामिल करेंगे। कड़ी को तकरीबन 15 मिनट हो गए थे, ये पक गई। अब इसमें जो फ्राई हुए पकौड़े हैं वो शामिल करेंगे। बाकी के पकोड़े भी हैं वो भी फ्राई करके इसमें शामिल कर देंगे। तड़का तैयार कर लेंगे। ऑयल शामिल किया, गरम हो गया। अब इसमें हाफ जो हमने प्याज कट किया था वो शामिल कर देंगे और प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। हल्का सा ब्राउन हो गया, अब इसमें ज़ीरा, तेज़ पत्ता और जो लाल मिर्चें हैं वो शामिल कर देंगे।
बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जो हमारा तड़का है वो रेडी है। अब इसको खड़ी के ऊपर डाल देंगे, बस अब इसके ऊपर जो तड़का है वो डाल देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मज़ेदार सी और आसानी से बनने वाली कढ़ी पकौड़ा हमारा रेडी है। आप इसको बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं और चपाती के साथ भी, बहुत अच्छी लगी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलें। इंशाल्लाह मैं नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।